नेशनल जयपुर हाईवे जो है वहां से रास्ता कटता है कहां के लिए? ये चीज नजर आती है कि यार यहाँ तो रेगिस्तान, सूखी मिट्टी, बिना पानी, मतलब कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन गांव जो है वो भी जो पिक्चरों में दिखाते हैं ना सूखा, ऐसा कुछ नहीं है यार। ये एक सती माता मंदिर पड़ता है यहाँ पे, बहुत पुराना मंदिर है। साफ हवा, क्लियर हवा जो है वो बहुत साफ नजर आती है, बहुत क्लियर, स्पष्ट तरह से आप देख सकते हो, दिखता है, महसूस होता है, एक कंटिन्यूस शोर चलता है। आज के टाइम पे कहाँ ही मिलता है, मतलब मैनुअल ऑर्केस्ट्रा पूरा। टाइम पे हम लोग हैं कोटपुतली जाने के लिए रास्ते में, और जो नेशनल जयपुर हाईवे जो है वहाँ से रास्ता कटता है कहाँ के लिए? नारनौल के लिए। तो ये रोड अभी नई बनी है, जब लास्ट टाइम हम आए थे तब ये रोड ऐसी नहीं थी, और आप देख सकते हो रोड भाई साहब आलीशान है एकदम, फर्स्ट क्लास। और राजस्थान में जब आप जाते हैं ना तो जनरली ये चीज़ नज़र आती है कि यार यहाँ तो रेगिस्तान, सूखी मिट्टी, बिना पानी, मतलब कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। इस टाइम पे अगर आप देखो रहे तो मतलब दोनों तरफ खेत ही खेत हैं और पूरी सरसों भरी पड़ी है। गांव जो है वो भी जो पिक्चरों में दिखाते हैं ना सूखा, ऐसा कुछ नहीं है यार। राजस्थान बहुत अच्छी जगह है, एरियाज़ हैं, डेफिनेटली हैं जहाँ पे रेगिस्तान है, मतलब पूरा सैंड ड्यून्स वाला जो पूरा एरिया था पूरा रेत ही रेत है, मीलों दूर तक रेत ही रेत नज़र आ रहा है, ऐसे एरियाज़ भी हैं। लेकिन राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा स्टेट है और यहाँ पे काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और जी इस टाइम पे अभी हम हैं राजस्थान में कोटपुतली बनेठी गाँव में, एक शादी थी बहुत फैमिली और क्लोज फ्रेंड में, और यहाँ पर थोड़ा घूमने आए थे। तो अभी इस पॉइंट पे जो एग्जैक्ट पॉइंट है ये एक सती माता मंदिर पड़ता है यहाँ पे, बहुत पुराना मंदिर है। मान्यता मुझे नहीं पता इस टाइम पे क्योंकि सब लोग बिजी हैं, तो मैंने पूछना ज़रूरी भी नहीं समझा डिस्टर्ब करना, लेकिन काफ़ी पुराना मंदिर है, काफ़ी मान्यता बताई जाती है इसको। डिटेल्स प्लीज़ किसी को पता हो तो एक बार कमेंट्स में डालना ज़रूर। तो यहाँ पर ना एक चीज़ जो देखी है, एक नहीं कई चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो साफ हवा, क्लियर हवा जो है वो बहुत साफ नज़र आती है, बहुत क्लियर, स्पष्ट तरह से आप देख सकते हो, दिखता है, महसूस होता है हवा में जो एक क्लीनिनेस है। दूसरी चीज़, आसमान में तारे भाई साहब रात में इतने साफ, इतने क्लियर नज़र आ रहे थे, मैं क्या बताऊँ आपको, एकदम मतलब देख सकते हो अब रात में। अब रात में रिकॉर्ड तो नहीं हो पाता लेकिन फिर भी बता रहा हूँ मैं, मान लीजिए इस बात को, मतलब बहुत क्लियर यार, जो हमारे बचपन में दिखते थे ना जिस टाइप से तारे, वो चीज़ यहाँ पर हमें कल रात में देखी, बहुत दिन बाद देखी, नज़र आई। तो डेट वॉज रियली रियली गुड, साफ हवा, आसमान, खुला आसमान, और एक ना शोर शराबा नहीं है, अभी भी हल्का हल्का नॉइज़ आ रहा है पीछे, एक जगह पे काम हो रहा है तो वहाँ पे हल्की शोर है, लेकिन फिर भी अगर आप दिल्ली में हो या जनरली गुड़गांव में, जो चीज़ एक कंटिन्यूस शोर चलता है, एसी रहा, हवा रहा, एच वैच चलते हैं पूरे, और मोबाइल वोबाइल टावर ओवर, वो एकदम बिल्कुल शांति है, मतलब चिड़ियों की और पंछियों की आवाज़ आप बहुत क्लियरली यहाँ पर महसूस कर सकते हो, सुन सकते हो, देख सकते हो उनका एहसास। तो सुबह सुबह कुछ मोर नाचते हुए नज़र आए यहाँ पे साइड में, मतलब लिटरली नाच नहीं रहे थे, घूम रहे थे, लेकिन वो पूरे बड़े बड़े पंख वाले, मुझे ध्यान है नगेरो की बिल्डिंग में था मैं गुड़गांव में ऑफिस में, तो वहाँ पर कुछ मोर दिखते थे पंख वाले, लेकिन उनके आधे पंख होते थे, आधे टूटे होते थे बेचारे, वो भी बेचारे त्रस्त थे माहौल से वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल एकदम क्लियर जो एक्चुअल मोर होता है वो नज़र आया। तो बहुत डिफरेंस है यार, शहरों की चकाचौंध में सहूलियत आपको ज़रूर मिल जाती है, फ़ायदे कुछ एडवांटेजेस जो है, फैसिलिटीज़ आपको ज़रूर मिल जाती हैं, लेकिन किस कॉस्ट पे मिल रही हैं वो कॉस्ट आप जब रियलाइज़ करते हो, जब आप ऐसी एक साफ़ जरा में आते हो बिना टेंशन के और आप उनको देखते हो, तब आपको महसूस होता है। तो यार बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है, थोड़ा टाइम ज़रूर स्पेंड करिए शहर से बाहर निकल, आप यहाँ पे आओ थोड़ा रिमोट में, गांव में कहीं पे, या कोई भी ऐसी जगह होती है तो वहाँ पर एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, अगर आप स्पेशली मेट्रोज में रह रहे हो, सर्वाइव कर रहे हो। चलिए कनेक्ट करते हैं आगे। और जी आज के टाइम पे कहाँ ही मिलता है, मतलब मैनुअल ऑर्केस्ट्रा पूरा, पियानो वाला था एक बंदा जो बजा रहा है, और पूरा ड्रम बीट चल रहे हैं बैठ के, पूरा गाना भी जा रहे हैं, लाइव म्यूजिक, लाइव कंसर्ट, बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस, शहरों में नहीं मिलता देखने के लिए आज के टाइम पे। और ये गांव के फंक्शंस होने के बाद
जहाँ पे बारात जानी थी वहाँ के लिए निकल ली है, वो भी राजस्थान में ही थी ये जगह। लेकिन एक चीज़ की मैं हमेशा से तारीफ करता हूँ, अगर आप मेरे पुराने व्लॉग्स भी देखते आ रहे हैं, साथ में फॉलो कर रहे हैं, सड़कें भाई प्यार हो जाए, इष्ट हो जाए, मोहब्बत हो जाए, मतलब ऐसी सड़कें हैं ना यहाँ पे, गाड़ी चलने का मज़ा ही डिफरेंट आता है, पूरी डिफरेंट फीलिंग आती है, कोई खड्डे नहीं मिलते। टोल्स ठीक है, ऐसे में टोल दे के भी मज़ा आता है, मतलब सड़कें तो अच्छी होनी चाहिए यार, और वो सड़कें राजस्थान में आपको मिलती हैं। मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, राजस्थान से सड़कों से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सो फार। और जी साफ हवा और नेचर को एंजॉय करके फिर दोबारा रेड और ग्रीन लाइट्स के बीच में शहर में लौटते हुए वापस आ गए। वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं कराया अब तक, और कुछ क्वेरीज हो तो एज यूजुअल प्लीज़ कमेंट्स में डालिए। आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।